आज हम बनाने जा रहे हैं एक कॉफी फ्लेवर्ड कपकेक, मोका कपकेक्स। ये बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में उतना ही टेस्टी। आप इसे कॉन्वेक्शन माइक्रोवेव, ओटीजी या फिर कढ़ाई पे भी बेक कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए पहले एक पैन में 200 मिलीलीटर पानी डालिए। अब इस पानी में पहले डालिए 6 टेबलस्पून बटर। मैंने यहाँ नॉर्मल अमूल बटर लिए है। इसके बाद इसमें डालिए 2 टेबलस्पून कॉफी पाउडर, कोई भी कॉफी पाउडर चलेगा। नेक्स्ट इसमें डालिए 85 ग्राम पिसी हुई चीनी। अगर आप कप में मेजर करें तो ये लगभग 3/8 कप होगा। फाइनली इसमें डालिए 1 टेबलस्पून हनी। अब इसे लगातार चलाते हुए उबालिए जब तक सारे चीज एक साथ मिल ना जाए और इसमें एक उबाल ना आ जाए। अब इसमें एक उबल आ गया। इसी पॉइंट पे फ्लेम को सीम करके इसे और 5 मिनट तक पकाएं। अब इसे एक बड़े बोल में शिफ्ट करके ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। एकदम ठंडा होने के बाद इसमें 1 कप मैदा और 2 टेबलस्पून कोको पाउडर छान के डालिए। इन सारे चीजों को आप हल्के हाथ से मिक्स कर लीजिए। नेक्स्ट एक बोल में 3 टेबलस्पून दूध के साथ 1 टीस्पून बेकिंग सोडा अच्छे से मिलाइए और इसको पहले बनाए हुए मैदे के मिक्सचर में अच्छे से मिला दीजिए। एक लाइटली बीट किए हुए अंडे को इसमें मिला दीजिए। हमारे केक बैटर रेडी हो गए। अब एक कपकेक मोल्ड में ऐसे सिलिकॉन मोल्ड्स डाल के रेडी कर लीजिए। मैंने यहाँ कपकेक्स के लिए सिलिकॉन मोल्ड्स का यूज किया। इस मोल्ड्स का फायदा यह है कि इसे अलग से ग्रीस नहीं करना पड़ता है। अगर आपके पास प्लेन पेपर कपकेक का मोल्ड है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, पर पेपर कपकेक मोल्ड को थोड़ा ग्रीस कर लीजिए बैटर डालने से पहले। अगर आपके पास कपकेक्स के मोल्ड नहीं है तो आप छोटे कटोरी का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ यूज किए सारे प्रोडक्ट्स का परचेज लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहे तो वहाँ से भी खरीद सकते हैं। अब इस केक मोल्ड में केक बैटर को स्पून से भरें। हर एक मोल्ड को थोड़ा खाली रखिए ताकि केक प्रॉपरली राइज हो सके। अब इसे एक प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री टेम्परेचर में 18 से 20 मिनट के लिए बेक करें। अगर आप इसे कढ़ाई में बेक कर रहे हैं तो लो टू मीडियम फ्लेम में 18 से 20 मिनट तक बेक कीजिए। बीच में एक बार चेक कर लीजिए ताकि केक नीचे से जल ना जाए। 20 मिनट के बाद इसे 10 मिनट तक ओवन में ही छोड़ दीजिए। 10 मिनट के बाद केक मोल्ड को निकाल के एक्वायर रैक के ऊपर ठंडा होने के लिए रखें। जब ये केक टिन ठंडा हो जाएगा तब सिलिकॉन मोल्ड्स को टिन से निकाल के वेयर रैक के ऊपर रखें। पूरा ठंडा होने दीजिए। इसमें लगभग 15 से 20 मिनट लगेंगे।
एकदम ठंडा होने के बाद केक को डीमोल्ड करके सर्व कीजिए। मैं एक केक तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट बना है। देखिए, केक एकदम सॉफ्ट है अंदर से। ये दिखने में एकदम मार्केट के केक जैसे ही है, पर टेस्ट उससे भी बहुत अच्छा है। आप एक बार इसे ज़रूर बनाइए और अपना एक्सपीरियंस हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दीजिए, ताकि रेगुलर वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर योर टाइम।